माताओं बंधुओं भगवान न करे कोई महात्मा जी आपके यहाँ आए और आकर के आप उनको अपनी बेटी का हाथ दिखाएं और हाथ दिखाने के बाद वो कहें कि अरे आपकी बेटी को तो ऐसा ऐसा पति मिलेगा जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की, आप बताइए क्या बीतेगी माता पिता के ऊपर जो इतने सपने संजो के रखे हैं, क्या विचार करेंगे वो? अच्छा जो बीतेगी वो तो बीतेगी, बीत गई वो तो उनके ऊपर भी, आगे माता पिता माताओं बंधुओं क्या कहेंगे उन पंडित जी से जो ये ज्योतिष बता रहे हैं, उनसे क्या निवेदन करेंगे? माताओं बंधुओं वो पंडित जी से कहेंगे माता पिता कि अरे बाबा जी पंडित जी चाहे जो हवन करना हो चाहे जो पूजा करनी हो जो अनुष्ठान करना हो कर लीजिए, लेकिन मेरे बेटी के हाथ से जन्म पत्रिका से ये वाला नियोग मिटा दीजिए, ये दोष खत्म कर दीजिए बस। हम लोग करते हैं ना काल सर्प दोष होता है, मंगल दोष की पूजा होती है, कुछ भी करिए ये वाला दोष मिटा दीजिए बस। नारद जी ने कहा ये दोष कहीं से नहीं मिट सकता, आपकी बेटी को तो ऐसा ही पति मिलेगा बस, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बहुत बहस के बाद माता मैना ने कहा कि अच्छा यही पति मिलेगा और कोई पति नहीं मिलेगा? नहीं नहीं कोई और पति नहीं मिलेगा। तो कहा अगर ऐसी ही बात है तो फिर जाइए चलाइए उन्हीं से बात, भाई बेटी को कुंवारी तो रखेंगे नहीं, उनसे कहिए कि चले तैयार हैं हम लोग कर देंगे विवाह। नारद जी ने कहा कि आप क्या सब कुछ अपने हिसाब से सोचते हैं, सब कुछ इतना आसान लग रहा है आपको, क्या मतलब? नारद जी ने कहा ऐसा है कि पति तो यही लिखा है आपकी बेटी की हस्तरेखा में, लेकिन जो लिखा है ना वो पति विवाह नहीं करना चाहता किसी से, महादेव है वो किसी से विवाह ही नहीं करेंगे। तो माता मैना ने कहा कि महादेव क्यों विवाह नहीं करेंगे? अरे भाई हम तैयार हैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, क्या कारण है? नारद जी ने कहा देखिए ऐसा है वो विवाह इसलिए नहीं करेंगे कि जब से माता सती ने देह का त्याग किया है ना, जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा, बैरागी हो गए हैं कोई विवाह विवाह नहीं करेंगे। तो माता मैना ने कहा वाह कितनी अच्छी बात की आपने नारद जी, पहले तो आपने ये बताया कि इतने सारे अवगुण हैं दामाद में और फिर धीरे से बता रहे हैं कि लड़का पहले से शादीशुदा भी है, एक विवाह भी कर चुका है, इसको आप पीछे से बता रहे हैं। तो नारद जी का ऐसा है कि आपके बेटी के लिए कोई है नहीं दामाद दुनिया में, मैं खोजबीन करके कहीं से लेके आया हूँ, तो कुछ तो आप भी समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना तो आपको चलाना ही पड़ेगा आखिर। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तो विवाह के लिए तैयारी तो करवाइए, कहिए विवाह कर देंगे। नारद जी ने कहा वो किसी से विवाह नहीं करना चाहते, दुराराध्य पै अहि महेशु और आशुतोष पुनि किए कलेशु, वो दुराराध्य हैं किसी के माने नहीं मानते। तो हिमालय ने कहा क्या इसका मतलब मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, कोई विवाह नहीं करेगा, क्या उनसे नहीं होगा विवाह उनका? बोले एक ही उपाय है, यदि आपकी बेटी जौ तप करई कुंवारी तुम्हारी तो भावी ही मेटी सकई त्रिपुरारी, यदि आपकी बेटी तपस्या करे ना तो हमारे महादेव ऐसे हैं कि वो भावी भी मेट देते हैं, माने होनहार को भी माताओं बंधुओं महादेव मेट दिया करते हैं, और ये शक्ति केवल हमारे कालों के काल महाकाल में ही है, महादेव के पास माताओं बंधुओं कि जो लिखा भी होता है ना वो भी मेट दिया करते हैं महादेव। ब्रह्मा जी तो इस बात से इतना दुखी रहते हैं माताओं बंधुओं महादेव की इस करतूत से बहुत दुखी रहते हैं। खैर तो माताओं बंधुओं महादेव भावी मेट देते हैं,
ऐसा नारद जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कई बार शिकायत की इस बात की। ब्रह्मा जी आके कहते हैं माता पार्वती से, पार्वती जी आपके पतिदेव को समझा लीजिए, पहनने को तो कपड़े हैं नहीं, पहनते नहीं है कुछ कपड़े, और उनके इस वस्त्र को देखकर यदि कोई गलत फहमी कर लेता है कि अरे ये तो अवघड़ है, ये क्या देंगे। तो महादेव कहते हैं देखो देखो मेरे वस्त्रों पे मत चले जाना, मांगने में कुछ कसर मत छोड़ देना, ये मत समझना कि मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने शिकायत की जाकर के माता पार्वती से कि बावरो रावरो ना हम भवानी। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात का उल्लेख किया, वो भावी मिटा देते क्योंकि ब्रह्मा जी लिखते हैं और वो होनहार मिटा देते। शिकायत कर रहे हैं बावरो रावरो, पागल है आपके पतिदेव, ना भवानी ये दानी बड़े बिन दे तो बदे बिनु दे तो भलाई भानी, तो बावरो रावरो ना भवानी। इतने बड़े दानी है ये, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी और सुख की नहीं निशानी, जिनको मैंने लिख दिया कि दिन रात दुखी रहेंगे, इनको कुछ सुख नहीं मिल पाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक सवारत और हो आयो नक बानी। माता पार्वती सूप नखा की नाक तो एक बार कटी थी लक्ष्मण जी ने काटी, और ये मेरी नाक रोज काट देते, मेरी नाक रोज कट रही इनके कारण। लोग कहते हैं कि देखो ये ब्रह्मा जी झूठे ही लिखते हैं, सब तो गलत हो गया। तो बावरो रावरो ना हो भवानी। और माता एक बात और समझ लो, आप अपने घर की कुछ ख्याल रखती हो कि नहीं, ध्यान दीजिएगा माता। अगर पतिदेव ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं तो धर्म पत्नी तो होती है, थोड़ा कंट्रोल करिए भाई, घर कैसे चलेगा। ज्यादा दान पुण्य करने लग जाते हैं तो समझाते हैं कि नहीं, तो कहा देखिए आपके पतिदेव इतना ज्यादा करने लग गए हैं कि माताओं बंधुओं लक्ष्मी माता और सरस्वती माता ये लोग भी चिढ़ने लग गए हैं, बातें होने लग गई हैं। ध्यान दीजिए विनय पत्रिका में कह रहे हैं गोस्वामी जी कि माता सरस्वती और माता पार्वती भी निज घर की बर्बात बिलो कहो हो तुम बड़ी सयानी। अपने घर का देखो कुछ खर्चा कैसे चलेगा। और शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी, बावरो रावरो ना भवानी। बातें होने लग गई हैं, इतने बड़े ज्यादा पैसे आ गए हैं घर में जो लुटा रहे हैं, पार्वती जी कुछ संभालो घर को। माता पार्वती से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और सबसे सुंदर बात हो गई माताओं बंधु, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा है कि आप जानती हैं इनकी करतूतों से सबसे ज्यादा दुखी कौन है। कौन बोले दुख दीन ता दुखी इनके दुख, दुख तो स्वयं दुखी है रो रहा है क्योंकि किसी को दुखी नहीं रहने देते, तो दुख को पूछेगा कौन। दुख दीन ता दुखी इनके दुख और जाचकता अकुलानी, जाचकता बुला रही है, अब कोई मानने वाला ही नहीं छोड़ते ये क्या करें। और ऐसा है माता सबसे ज्यादा तो दुखी मैं हूं क्योंकि मैं लिखता हूं और बाद में बात कट जाती है, बड़ी बेइज्जती मेरी हो रही, तो मैं तो नौकरी छोड़ने को तैयार हूं, ऐसी नौकरी करनी भी नहीं हुई है। यह अधिकार सौंपिए और भीख भली मैं जानी, बावरो रावरो ना हो, मैं भीख मांग लूंगा मुझे वो मंजूर है ना हो भवानी, मेरी बेइज्जती करवाते क्योंकि ये होनहार को मेट देते। यही बात नारद जी कह रहे हैं, अगर इस संसार में होनहार को मेटने की शक्ति किसी में है
तो केवल हमारे महादेव में है। चौतप करी कुमारी तुम्हारी तो भावी ही मेटी सकई त्रिपुरारी। भगवान मेट देंगे, केवल तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, हिमालय चाहते तो लगवा देते 51,000 ब्राह्मण और आपके लिए पाठ करवा देते माता पार्वती के लिए। कुछ कमी थोड़ी थी, पर्वतराज थे। किंतु माताओं बंधुओं, जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य हो ना, अब समय नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन सामर्थ्य हो तब तक अपना तप स्वयं करने का प्रयास करिए। किसी दूसरे के भरोसे पे मत करिए, क्योंकि भोग भी आपको ही करना है उसका। माता पार्वती को कहा इनको स्वयं जाके तपस्या करनी पड़ेगी। अब नारद जी इतना कह के चले गए, ध्यान दीजिएगा। अभी राजा एक बड़ी व्यवहारिक बात आपसे बताऊं, ध्यान दीजिए। कोई ऐसे ही महात्मा जी आए और आ करके वो ये सब बता के चले जाए। आप महात्मा जी को अपने बेटे का हाथ दिखाएं और महात्मा जी फर्ज कीजिए, पहले तो कहें वाह आपका बेटा तो कितना यशस्वी निकलेगा, आपका बेटा तो अमेरिका जाएगा, कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसी ऐसी बातें बताएं और वो चले जाए महात्मा जी। तो शाम को आप लोग क्या बात करेंगे माताओं बंधुओं घर में बैठ के? आप लोग कहेंगे वाह, अरे अब तो पंडित जी ने आके बता दिया है कि हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, जन्म पत्रिका में लिखा है, स्वयं महाराज ने बताया है, अब तो हम लोग घूमेंगे आनंद करेंगे, हमारा बेटा हमारा नाम करेगा, ये कह के चला गया। तो आप लोग ये बात करें और मान लीजिए वही आए पंडित जी और आकर के कहें कि अरे आपका बेटा तो लंपट निकलेगा, आवारा निकलेगा हाथ दे करके, और कहें कि आपका बेटा जो है ना वो चौराहे पे बीड़ी पी के पूरा जीवन बिताएगा, आपको जेल तक पहुंचा देगा, आपको बड़ा कष्ट देगा, बड़ा मारेगा पीटेगा, अब ये कह के चले जाए। तो क्या आप रात्रि में ये बात करेंगे बैठ के कि अरे अब तो पंडित जी ने बोल दिया है कि हमारा बेटा आवारा निकलेगा, तो अब तो निकलेगा क्या कर सकते हैं, अब तो ज्योतिष में लिखा है, जन्म पत्रिका में लिखा है कि हमारा बेटा आवारा निकलेगा, अब तो हमारा जीवन खराब हो गया, ऐसी बात करेंगे क्या? नहीं। तब आप कहेंगे कि कोई ये ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें हैं, कहने की बातें, वो तो पंडित जी आए थे तो उनके आदर में हमने दिखा दिया हाथ और जन्म पत्रिका, हम ये सब नहीं मानते। माने आपको जो भी अच्छा लगता है ना माताओं बंधुओं, उस अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाएं बदल लेते हैं, हम और आप सबका स्वभाव है, किसी एक का नहीं। यही हुआ माता पति का, माता पार्वती का हाथ भी बड़े ललक के दिखाया था माता मैना ने, लेकिन जैसे ही नारद जी ने कह दिया कि अरे आपके बेटी को तो ऐसे ऐसे पतिदेव मिलेंगे, माता मैना संध्या को हिमालय के पास गई, हिमाचल के पास जाके कहती है सुनिए स्वामी, नारद जी का सम्मान करना था इसलिए आके हमने उनको हाथ दिखाया, हमें कोई नारद जी से कोई बहुत बड़ा विश्वास नहीं है उनके ऊपर, और उनके सारे किस्से हम सुन चुके हैं, क्या क्या करते रहते हो, हम उनकी बात बिल्कुल नहीं जानते। क्या क्या कह रही हो देवी? मैना कहती है हाँ प्रभु, पति ही एकांत पाई कही मैना, कि नाथ न मैं समझी मुनि बैना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, जो घर पर कुल होई अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा, न तो कन्या पर रही कुंवारी, मेरी बेटी को कुंवारी में पालूंगी जीवन भर अपने घर में, यह है माता का प्रेम, लेकिन ऐसे पागल व्यक्ति से विवाह नहीं कर दूंगी, न तो कन्या पर रही कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी, उमा मुझको प्राणों से प्यारी है, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं अपनी बच्ची के साथ। माताओं बंधुओं जानते हैं हिमालय ने क्या जवाब दिया? और मैं कई बार कहता हूं ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको डायरी में नोट कर लेना चाहिए, रामचरितमानस के ऐसे सूत्र हैं माताओं बंधुओं जो जीवन में उतारने के लायक है। वैसे तो रामचरितमानस की हर अर्धाली अपने आप में मंत्र है,
और एक भी अर्धाली को यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सार्थक है। लेकिन किसी को कोई अर्धाली पसंद है, किसी को कोई किसी पर निर्वाह कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर हिमालय जी से जब माता मैना ने कहा कि सुनिए, यदि पार्वती के लिए आपने ढंग का वर नहीं खोजा तो मैं पार्वती को कुंवारी रख लूंगी अपने घर में, लेकिन विवाह नहीं करूंगी ऐसे व्यक्ति से। हिमालय ने कहा ऐसा है मैना, अब आप ज्यादा सोचिए मत, अब आप चुपचाप सो जाइए, आराम करिए, कुछ सोचिए मत, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो माता मैना ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, अरे अपनी बेटी है, चिंता ना करूं मैं, अपनी बेटी की चिंता नहीं करूंगी तो और किसकी चिंता करूंगी। हिमालय ने कहा इसलिए चिंता मत करिए क्योंकि आपकी चिंता करने से कुछ होना नहीं, ना हमारी चिंता करने से कुछ होना, क्योंकि यदि चिंता करने से होना होता तो सबको बिठाते, सारा परिवार बैठ के चिंता ही करते, शायद कुछ हो जाता। तो कहा फिर क्या करें, कहा ऐसा है अब इस विषय में सोचना ही छोड़ दो। तो माता मैना ने कहा आपसे कोई कहे ध्यान दीजिए, आप किसी स्वामी जी के पास आते होंगे, संतों के पास जाते होंगे, आप कहते होंगे महाराज जी एक बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी चिंता है मुझे किसी बात की, तो सबसे पहले महाराज जी क्या कहते हैं बताइए, यही कहते हैं ना कि चिंता मत करो, ज्यादा सोचो मत, सबसे पहले यही बात कहते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये सुन के आपके मन में बात आती होगी कि स्वामी जी के लिए कहना तो बड़ा आसान है कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन हम क्या करें जो चिंता में डूबे हुए हैं, बार बार ख्याल तो उसी बात का आता है, उसे कहां से ले जाएं उस बात को। तो कई बार जब आप ये सोचते हैं कि अरे वही विचार मन में बार बार आ रहा है, तो संत महात्मा कहते हैं ऐसा करो, फिर अगर वो ख्याल आने लग जाए ना दिमाग में तो कुछ और सोचने लगो, उसको हटा के कुछ और कहीं घूमने चले जाओ। कई लोग मित्र लोग कहते हैं, ऐसा संत महात्मा नहीं कहेंगे, मित्र लोग कहेंगे कहीं घूमने चले जाओ, सिनेमा देखाओ, पार्क में घूमाओ, किसी से मिल लो, ऐसे अकेले बैठोगे तो और चिंता होगी, यही कहते हैं ना। लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं जानते हैं, संत महात्मा कहते हैं कुछ और सोचने लगो। तो आप कहेंगे क्या सोचने लगो, हिमालय भी यही कह रहे हैं, पार्वती जी मैना सोचना छोड़ दो, सोचने से कुछ नहीं होगा। क्यों, बोले प्रिया सोच परिहरहु सब, मैना सारी सोच त्याग दो। तो कहा सोच तो आएगी, कुछ और सोचने लगो मैना। कहा क्या सोचूं, बोले केवल सुमिरहु श्री भगवान। यदि इस समय कुछ सोचना है ना तो उन परम पिता परमात्मा के बारे में सोचो मैना, क्योंकि सबकी चिंता केवल उन्हीं को है और किसी को नहीं। हमारी भी चिंता उनको है, आपकी भी चिंता उनको ही है, पार्वती की चिंता भी उन्हीं को है मैना, क्योंकि पार्वती निर्मय जेहि सोई करी कल्याण। जिन्होंने पार्वती जी का निर्माण किया है, जो उन्हें सृष्टि में लेकर आए हैं, उनकी चिंता करना भी उन्हीं प्रभु की उत्तरदायित्व है, उन्हीं का कर्तव्य है। माताओं बंधुओं, इसी बीच माता पार्वती को एक स्वप्न आ गया, ध्यान दीजिएगा। संतों का अपना अपना मत है, कोई कहता है कि नारद जी महाराज आए, कोई कहता है कि भगवान श्री राम आए। हम अपना मत संतों के मत में ही मिला के कहेंगे, किंतु ये कहेंगे कि राम जी आए। कारण भगवान श्री राम को मालूम है कि महादेव और माता सती के वियोग में कहीं ना कहीं मैं माध्यम था, किसी प्रकार येन केन प्रकारेण, अरे भाई ना मुझे रोता हुआ देखती, ना उनको मोह होता और ना महादेव उनको त्याग करते, ना मेरी परीक्षा लेने आती। तो यदि वियोग में कहीं ना कहीं मैं माध्यम हूं, तो संयोग में भी मुझे माध्यम बनना परम आवश्यक है, मेरी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व तो है मेरा। यह सोचकर प्रभु श्री राम गए स्वप्न में और जाके कहते हैं देवी पार्वती जी सो रही हूं। हाँ प्रभु सो रही हूं। तो कहा सोते सोते पालोगी जो पाना है, पा वही पाता है जो जागते हुए सपने देखता है, ध्यान दीजिएगा। सोते हुए सपने में कोई कुछ पा नहीं पाता है, सोता हुआ सपना तो सिंह भी देखता होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथय है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह भी रात में सोते सोते सपने में हिरण को मुंह में देखता होगा, लेकिन शिकार करने के लिए उसे उठना पड़ता है। भगवान ने कहा पार्वती जी
यदि सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण भी नहीं आता, उसको भी शिकार करने के लिए दौड़ना पड़ता है, तो सोते सोते परमात्मा मिल जाए ये तो आप असंभव ही समझिए। आपको भी उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। कहा क्या प्रभु? तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा हाँ देवी, क्योंकि यहाँ ये जो कुछ जितना कुछ दिख रहा है ना, ये सब कुछ तपस्या के बल पे दिख रहा है। कुछ भी मजाक नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। माताओं बंधुओं, मैं कई बार स्वामी जी के साथ बैठता हूँ, आप लोग भी बैठते होंगे, मैंने भी इस बात को अनुभव किया है। स्वामी जी कहते हैं कि हम महाराज जी जो सोच लेते हैं वो कई बार हो जाता है, हमारी चिंता भगवान हरण कर लेते हैं। तो क्या मजाक में हरण हो जाता है? ये तपस्या की सिद्धि होती है। आपने कितना तप किया है, परमात्मा उस पर तौलते हैं आपको। इसलिए ये इतना बड़ा भंडारा, ये आप बताइए, इतने सारे संत महात्मा के यहाँ रुके हैं, पूरे कुंभ में रुके हुए हैं, ये क्या यही आसानी से हो रहा है? इसके पीछे कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या लगी हुई है संतों महात्माओं की। माता पार्वती से भगवान कहते हैं, पार्वती जी संसार में कुछ भी तपस्या के बिना नहीं चल रहा, जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ तपस्या के बल पे ही है। क्योंकि तप बल रचय प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना इस बात को। तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तपस्या के बिना चल रहा हो। तो आपको भी कुछ पाना है ना, तो करूं जाई तप अस जिए जानी। जाइए और जा करके आप भी तपस्या प्रारंभ कर दीजिए माताओं बंधुओं। अब माताओं बंधुओं, माता पार्वती को तपस्या के लिए भगवान ने प्रेरित तो किया। सुबह उठी माता पार्वती और उठकर अपने माता पिता से कहती है, अरे अरे माता, अरे पिताजी, जानते हो हमको सपना आया, जानते हो प्रभु ने कहा है कि अगर महादेव को पाना है तो तपस्या करनी होगी। पिताजी हमें तपस्या करना है, हम जा रहे हैं तपस्या करने। माताओं बंधुओं, हिमालय और माता मैना तो सूख गए, तपस्या करने जाना है। सपने तो सपने होते हैं, सपने में कुछ भी आ जाएगा तो मान लोगे क्या? अरे ऐसे अनर्गल सपने तो आएंगे ही, नारद जी महाराज कान भर के गए हैं तो क्यों नहीं आएंगे? और तपस्या को क्या तुमने बड़ा मजाक समझ रखा है पार्वती जी? तपस्या इतनी आसान नहीं है। खाने को मिलेगा नहीं, सोने को मिलेगा नहीं, ओढ़ने को मिलेगा नहीं, जीव जंतु आ सकते हैं जा सकते हैं, इतना आसान समझ रखा है जाकर के तपस्या करना। एक बात बताऊं आपको, इन 15 दिनों में मैं भी अनुभव किया, स्वामी जी भी अनुभव किए होंगे और इस पूरे कुंभ के सारे महात्मा अनुभव किए होंगे। एक बात को बताऊं क्या, इन 15 दिनों में न जाने कितने फोन आए सबके पास, और क्या आए जानते हैं? हमारे पास भी आते, महाराज जी के पास भी आते होंगे, सबके पास। महाराज जी आ जाए कुंभ में? हाँ हाँ आ जाइए। तो व्यवस्था है कि नहीं ठीक? रुकने का है कि नहीं ढंग से? अटैच लेट बाथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तखत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हमारे यहाँ पे भी सब चल रहा है, हर हर उसमें घर घर की यही कहानी, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोग एक बात बताइए माताओं बंधुओं, ये कुंभ है, ये तीर्थराज प्रयाग माता गंगा की गोद है, यहां पर भी यदि आकर के आप तखत पे सोए तो फिर तो अनर्थ हो गया ना। आप बताइए भाई, किसी के घुटने में समस्या हो, किसी के वजन की बात हो तो वहां तक तो समझ में आता है, यहाँ आप तपस्या करने आ रहे हैं कि पिकनिक मनाने आ रहे हैं? और मेरा निवेदन मैं करता हूं उन लोगों से भी जिन्होंने अपने शिविरों को 5-स्टार होटल बना रखा है। आप बताइए यदि अभी से इतने भोग विलासवादी हम लोग हो जाएंगे, हम और आप इतने भोग विलास की आदत डाल लेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां गंगा में स्नान नहीं करेंगी, आकर के संगम में नहाएंगी नहीं, गीजर लगाने पड़ जाएंगे संगम के आसपास कि पहले पानी गर्म हो उसके बाद स्नान किया जाएगा।
यदि हम लोग इतने भोग विलासवादी हो जाएंगे माताओं बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई, उपभोग की वस्तुएं रहे उसमें कोई गलत बात नहीं, सोने की व्यवस्था रहे, तकिया रहे, कंबल रहे, उतना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप लोग करेंगे तो क्या समाज में संदेश जाएगा? आप बताइए, ये तपस्या की भूमि है, तपस्या के स्थान, उससे आइए मन से, भोग करने के और पिकनिक के मन से मत आइए माताओं बंधुओं। और मैं जानता हूं कि आप लोग नहीं आए हैं, ये तो कही कथा संसार हित, ये तो मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं जो सुन रहे होंगे, जो आते होंगे। माता पार्वती को माता पिता ने उससे कम नहीं डराया जितना डराया भगवान श्री राम ने माता जानकी को वनवास न जाने के लिए। आप बताइए, माता जानकी से ज्यादा सुकुमारी यहाँ कोई बैठा होगा या इस पूरे कुंभ में होगा, या माता पार्वती से ज्यादा जो पर्वतराज की पुत्री है? कहा मत जाओ, गलती से मत जाना, तपस्या आपके बस की बात नहीं है, कुंभ में जाओगे, कल्पवास करोगे। हमारे तो एमपी के भी बैठे हैं अतरालिया से, एमपी में कलब को क्या कहते हैं जानते हैं ना लक्ष्मीनारायण जी? कलब गया, वो माने चिढ़ गया, कल्पना। तो कल्पवास का एक अर्थ हम लोग विनोद में ये भी कहते हैं कि जहां पे कलपते रहो पूरे समय, चिढ़ते रहो, तब तो हुआ कल्पवास। अब आकर के सुख की नींद सो गए तो फिर गाय बात का कल्पवास, कल्पो आकर के। वैसे तो कल्पवास माने पूरे कल्प का वास, पूरे कल्प का पुण्य यही एक महीने में मिल जाता है, उसी को हम और संत महात्मा कल्पवास कहते हैं माताओं बंधुओं। तो इससे ज्यादा डराया माता पार्वती को, कहा देवी पार्वती तपस्या करने जाओगी वहां पे जंगल में, बिल्कुल नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। तो साधक कलेश सुनाई सब गौरी निहोरत धाम को, पार्वती मंगल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। साधक कलेश सुनाई सब गौरी निहोरत धाम को, और को सुनई काही सुहाई ग्रह चित चहत चंद्र ललाम को। माता पार्वती का मन तो महादेव पे लग गया था, भगवान को पाना था उनको, अब भोग विलास की आदत, भोग विलास से मन दूर हो गया। तो समुझाई बात दृढ़ाई मन पितु मातु आय सुपाई के, और लागी करण पुनी अगम तप तुलसी कहे किमि गाय के। माताओं बंधुओं, माता पार्वती माता पिता को समझा के, बाप को दृढ़ा के, दृढ़ करके, और ऐसा अगम तप करने चली गई ना, कि यदि माताओं बंधुओं तपस्या की बात आएगी तो तपस्या की जब जब बात आएगी उसमें माता पार्वती का नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, ऐसा तपस्या की उन्होंने गई जब तो। कैसी बोले, संबत सहस मूल फल खाए और साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा, और भेल पाति मह परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने उपरना उमहि नाम तब भयउ अपरना, अस तप काहु न कीन्ह भवानी, और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी।